Chapter number 1, Electrostatic Secondary Physics. Application of Gauss's Law. Students, today we are going to discuss the second application of Gauss's Law. Already I explained you the first application of Gauss's law. Second application is electric field near plane charge surface. As I told you, in each application of Gauss's law, we have to simplify the electric field. So again, in second application, we will simplify electric field where near plane charge surface.

Or number of positive charges are present over that sheet. You can see number of positive charges are present over that sheet. Means ch positive charges are uniformly distributed over this sheet. Then we have one cylinder. This cylinder is a Gaussian surface. As Gauss's explained that Gaussian surface is an imaginary surface which must be closed or which can be of any arbitrary shape. सो हेयर दिस सिलेंडर इज कंसिडर्ड एज अ गोशियन सरफेस और हेयर वी हैव टू वर्क ऑन दीज थ्री फेसिज ऑफ सिलेंडर हमें यहाँ पे जो गोशियन सरफेस है वो एक सिलेंडर की फॉर्म में दिखाई गई है और गोशियन सरफेस गोजेज ने अपने लॉ में एक्सप्लेन की हुई है इमेजनरी सरफेस जिसके जो हमारे पास क्लोज होनी चाहिए जिसके शेप कोई सी भी हो सकती है तो अगर सिलेंडर गॉसियन सरफेस है तो इसकी जो थ्री फेसेस हैं आप देख सकते हैं दिस वन दिस लास्ट वन और दिस अपर पार्ट दीज आर द थ्री वन टू थ्री थ्री फेसेस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर और वी हैव टू वर्क ऑन दिस थ्री सरफेसेस, इन थ्री सरफेसेस पे हमें काम करना है तो अकॉर्डिंग टू द फिगर प्लेन शीट विद नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और हेयर दिस प्लेन शीट इज ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंड गॉसियन सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर और हेयर वी हैव टू द थ्री फेसेस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस इंटेंसिटी डायरेक्शन यू कैन सी हेयर ऑलरेडी दे हैव गिवन यू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ई सो दिस इज द फिगर रिलेटेड टू द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉजिज लॉ अब हम डेरिवेशन पे काम करते हैं एज आई Told you this is the plane sheet of infinite extents or number of positive charges are present over it. So for the number of positive charges, we will use one symbol. This symbol is called sigma. It's called sigma It is the representation of total number of positive charges, those charges which are present over this plane sheet. So sigma is the symbol. और इट इज़ फॉर द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द प्लेन शीट दे आर सिंग सिग्मा इज़ इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए चार्ज पर यूनिट एरिया बिल्कुल ठीक अगर मैं एक एक चार्ज को जो प्लेन शीट पर है और अपने एरिए पर लाया करता है अगर मैं एक एक सिंगल चार्ज को उसके एरिए पे काउंट करती जाऊँ तो मुझे एंड में क्या मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस मिल जाएंगे जो कहाँ पर हैं प्लेन शीट पे तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आर इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया यानी एक एक सिंगल चार्ज जो अपने अपने एरिए पे मौजूद है वी विल काउंट देम वन बाय वन हम उन्हें काउंट करेंगे देन वी विल गेट द सिग्मा सिग्मा स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस विच आर प्रेजेंट ओवर द प्लेन शीट अब अगर मैं यहाँ से क्यू को सेपरेट करूँ स्टूडेंट्स तो सिंपली इट इज इक्वस टू सिग्मा ए इस डेरिवेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन का नाउ यूज वन मोर डेरिवेशन वन मोर फॉर्मूला इज़ फायकअस टू वन अपॉन एप्स नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू फाइव स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थ्रू एनी सरफेस

Already, we have solved this equation number 1 where Q is equal to sigma A. So, here substitute equation number 1 in equation number 2. So, when we will substitute, we will get electric flux phi is equal to 1 upon epsilon naught as it is, or here Q. Q is replaced by sigma A. क्यों को रिप्लेस कर देंगे हम सिग्मा ए से दिस इज आवर इक्वेजन नंबर थ्री ये हमारे पास इक्वेजन नंबर थ्री है और दिस इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है जिसे हमने सिम्प्लीफाई किया प्लेन शीट को लेकर प्लेन शीट पे मौजूद नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को लेकर और गोजेस लॉ को अप्लाई करके इन द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गोजेस लॉ सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस फ्लक्स इज रिलेटेड टू द प्लेन शीट ओवर विच नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट और हेयर वी सिंप्लीफाई इट बाई यूजिंग द गॉजेज लॉ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एप्स ऑन नॉर्थ सिग्मा ए एक फ्लक्स हम स्टूडेंट सॉल्व कर चुके प्लेन शीट को लेके प्लेन शीट पे मौजूद नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को लेकर और गॉजेज लॉ को अप्लाई करके नाउ कम टू द सेकेंड फ्लक्स विच इज रिलेटेड टू गोशन सरफेस

एक फ्लक्स सिम्प्लीफाई हो चुका है प्लेन शीट पे मौजूद नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को लेके और गॉजेज लॉ को अप्लाई करके अब हम फिर से फ्लक्स पे काम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स का वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फ्लक्स का क्या रोल है फ्लक्स क्या है किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है तो नाउ अगेन वी हैव टू सिंप्लीफाई द फ्लक्स और दैट फ्लक्स इज़ रिलेटेड टू दीज थ्री

Phi 1 for first surface of Gaussian surface plus phi 2 flux for second surface of Gaussian surface plus phi 3 flux for third surface of Gaussian surface. As all of you know, the formula of flux is the dot product of E and A. E stands for intensity. So, already in the figure we have the direction of intensity. So, intensity is in this way. So, flux is the dot product of E and A. A is the area of the surface, E is the intensity for that surface. So, intensity already we have in the figure, or area of the surface is according to first surface, this area is A1. For this surface, area is A2, and for third surface, area is A3. So, flux for first surface, we can write it in this way E1A1, intensity for first surface and area for the first surface. Similarly, intensity for second surface of cylinder and area of the second surface of the cylinder. Then, intensity for third surface of the cylinder and area.

cos theta so e1 a1 cos theta plus e2 a2 cos theta similarly plus e3 a3 cos theta हमने डॉट को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया अब थीटा जो है वो एंगल है किन दो फैक्टर्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट इज़ ऑल्सो द एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन ये हमारे पास एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के दरमियान और नॉर्म जैसे मैंने आपको बताया कि थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और नॉर्मल लाइन ऑफ द सरफेस स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑलरेडी यू हैव इन द फिगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी फ़िगर में मौजूद है नॉर्मल लाइन भी हम पढ़ के आ चुके हैं अपने टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने आपको बताया था नॉर्मल लाइन एक लाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं सरफेस को देख के और 90 के एंगल पर ड्रॉ करते हैं अब अगर मैं सरफेस को देखूं ये हमारी सरफेस S1 है आप मेरे हाथ की मूवमेंट को देखें दिस सरफेस इज़ अलोंग Y एक्सिस ये सरफेस Y एक्सिस के अलोंग है तो इसकी नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग कहाँ पे बनेगी अलोंग एक्स एक्सिस जैसी सरफेस एस वन है सेम सरफेस एस टू है ये भी अलोंग वाई एक्सिस है तो यहाँ पे इसकी जो नॉर्मल लाइन है वो लाई करेगी अलोंग एक्स एक्सेस ये दोनों फेसेस सिलेंडर के बिल्कुल एक जैसे हैं जो कंडीशन हम सरफेस एस वन पे लगाएंगे वही कंडीशन हम एस टू पर भी लगाएंगे लुक एट हेयर दिस इज द थर्ड सरफेस दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर ये सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा है इसको देखें मेरे हाथ की मूवमेंट के अकॉर्डिंग दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसकी नॉर्मल लाइन कहाँ पर ड्रॉ होगी अलोंग वाई एक्सिस नॉर्मल लाइन सरफेस के अलोंग होती है सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है सरफेस के अकॉर्डिंग नाइन्टी के एंगल पे लाई करती है तो इफ दिस सरफेस इज अलोंग एक्स एक्सिस तो इस नॉर्मल लाइन इज अलोंग वाई एक्सिस तो थ्री फेसेस हैं दीज आर द थ्री फेसेस ऑफ गोशियन सरफेस नीन सिलेंडर के थ्री फेसेस हैं इन थ्री फेसेस के लिए हम फ्लक्स पे काम कर रहे हैं फ्लक्स को सिम्प्लीफाई कर रहे हैं जिसमें हमने जब फ्लक्स का फार्मूला लिखा फाइव इक्व टू फाइव वन फा, प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री और फिर फार्मूला ओपन किया ई डॉट ए के अकॉर्डिंग डॉट को सिम्प्लीफाई किया तो एंगल आ गया कॉस् थीटा अब थीटा पे काम करना है और थीटा मैंने आपसे कहा एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या इंटेंसिटी जो ऑलरेडी हमें दिखाई हुई है फिगर में और नॉर्मल ऑफ द सरफेस सरफेस की नॉर्मल लाइन तो वो मैंने आपको यहाँ पे तीनों सरफेस के लिए ड्रॉ करके बता दी और ये बात याद रखें सरफेस एस वन एंड एस टू बोथ आर सेम ठीक है तो यहाँ पे ये कंडीशन थी थ्री फेसेस ऑफ द सिलेंडर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम तीनों फेसेस के लिए एंगल भी देख लेते हैं सरफेस एस वन में इंटेंसिटी और नॉर्मल लाइन बोथ आर पैरल तो थीटा इज़ ज़ीरो जो कंडीशन सरफेस एस वन की है सेम कंडीशन एस टू की है इंटेंसिटी और नॉर्मल लाइन बोथ आर पैरल तो थीटा इज जीरो और थर्ड सरफेस में इंटेंसिटी और नॉर्मल लाइन बोथ आर परपेंडिकुलर तो थीटा इज नाइन्टी डिग्री अब ये एंगल हमें पता चल गए इन एंगल्स को हम अपने डेरीवेशन में सब्सिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे ये देखिए डेरीवेशन में मैंने एंगल सब्सिट्यूट कर दिया फाइव यानी फ्लक्स इज इक्व टू ई वन ए वन कॉस थीटा फॉर फर्स्ट सरफेस थीटा इज़ ज़ीरो सो ई वन ए वन कास ज़ीरो प्लस ई टू ए टू कॉस ज़ीरो अगेन दिस इज़ फॉर सेकेंड सरफेस ऑफ द सलेंडर सो देयर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील लाइन एंड नॉर्मल लाइन वॉज ऑल्सो ज़ीरो सो दिस इज़ द एंगल कंडीशन फॉर सेकेंड सरफेस एंड फॉर थर्ड वन ई थ्री ए थ्री कॉस ऑफ नाइन्टी थर्ड सरफेस में हमारा एंगल नाइन्टी का था तो ये एंगल हमने लगा दिया तीनों फ्लक्सेज में cos जीरो इज equals to वन सो so here वी विल गेट ई वन ए वन is ज़ीरो इज़ वन प्लस ई टू ए टू अगेन कॉस जीरो इज़ वन कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है वो हमने लगा दी प्लस ई थ्री ए थ्री कॉस नाइन्टी इज़ ज़ीरो सिम्प्लीफाई करें तो यहाँ आ जाएगा ई वन ए वन प्लस ई टू ए टू और थर्ड फैक्टर जो है वह हमारे पास ज़ीरो अब स्टूडेंट्स हम इस डेरिवेशन पर कंडीशन लगा देते हैं इंटेंसिटी ई वन इज़ टू इंटेंसिटी ई टू और बोथ आर इक्वल्स टू ई एरिया ए वन इज इक्वल्स टू एरिया ए टू और बोथ आर इक्वल्स टू ए यू कैन सी हेयर दीज आर द टू फेसेस ऑफ द सिलेंडर बोथ आर सेम बोथ हैव द सेम अफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी दोनों एरियाज बिल्कुल एक जैसे हैं जो इंटेंसिटी हमारे पास फर्स्ट सरफेस ऑफ सिलेंडर के लिए है वही इंटेंसिटी सेकेंड सरफेस ऑफ सिलेंडर के लिए है इसलिए कि सिलेंडर इक्वली पास uh, हुआ हुआ था हमारे पास प्लेन शीट में से तो इंटेंसिटी दोनों फेसेस के लिए सेम है और दोनों फेसेस सिलेंडर के हैं सेम है तो एरियाज आर आल्सो सेम इस कंडीशन को मैं लगा देती हूँ ऊपर डेरिवेशन में तो फाइ इज़ इक्वल टू ई ए प्लस ई ए वन टू नहीं मेंशन करेंगे बिकॉज इंटेंसिटीज आर सेम एरियाज़ आर ऑल्सो सेम सो वन और टू वी विल नॉट मैंशन बोथ आर इक्वस टू ई ए तो टोटल फ्लक्स इज इक्वस टू टू ई ए We will say this is equation number 4 because already we have solved three equations. So, here this is the flux, this is related to Gaussian surface, this is related to uh, two faces of the Gaussian surface, which is in the form of cylinder. इससे पहले हम एक फ़्लक्स पे काम कर चुके हैं जो प्लेन शीट से रिलेटेड था प्लेन शीट पे मौजूद पॉजिटिव चार्जेस से रिलेटेड था वहाँ हमने गोसेज लॉ को अप्लाई किया था टोटल नंबर ऑफ चार्जेस यानी सिग्मा को लेके काम किया था दैट वाज द फर्स्ट फर्स्ट फ्लक्स और दिस इज़ द सेकेंड फ्लक्स अब हम कंपेयर कर लेंगे दोनों फ्लक्सेस को ये फ्लक्स रिलेटेड है टू फेसिस ऑफ द सिलेंडर ये फ्लक्स प्लेन शीट पे मौजूद टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस से रिलेटेड है इक्वेशन नंबर थ्री और फोर जो डेरिवेशन में उनको कंपेयर करें यहाँ से इंटेंसिटी को सिम्पलीफाई करें तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सॉन नॉट दिस इज द इंटेंसिटी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ प्लेन चार्ज सरफेस जो आपकी एप्लीकेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नियर अ प्लेन चार्ज सरफेस